नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ और फिलहाल मैं जा रहा हूँ मनाली, हिमाचल वाला मनाली। और ये मेरी कैरावैन की पहली लॉन्ग ट्रिप है जिसमें मैं कुकिंग भी करूँगा, सोऊंगा भी, रहूँगा भी। बहरहाल ये आज का जो एपिसोड है, ये एपिसोड होने वाला है मेरे एक स्टेटमेंट को लेके जो कि आज से मैंने 6 महीने पहले दिया था। आप ये वाली क्लिप देखो। टाटा की एक ऐसी गाड़ी है जो परफेक्ट कैरावैन बन सकती है, एनी आइडिया? चलो भाई बता देता हूँ, वो है टाटा 407 का ट्रक। अभी कुछ दिन पहले मैं टाटा के पास गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ये जो आप कमर्शियल सेगमेंट में अपनी गाड़ी देते हो, क्या ये मेरे को प्राइवेट भी मिल सकती है, मैं इसको कैरावैन रजिस्टर कराना चाहता हूँ एज अ प्राइवेट व्हीकल। भाई साहब, ये गाड़ी ऐसी है कि इसको कहीं कोई नहीं रोक सकता। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रक्स इन द कंट्री। इतना ज़्यादा इसका टॉर्क है, ये चाहे आप लेह ले जाओ, लद्दाख ले जाओ, स्पिति ले जाओ, एनी प्लेस जहाँ पे रोड है नहीं है, ये सब जगह जा सकती है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसका पीछे का जो डाला है वो इतना अमेजिंग है, उसको तो मैं बनाऊंगा एक्सपेंडेबल कैबिन। मतलब पीछे एक बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर मेरा एक बेडरूम टाइप कुछ होगा और एक बटन दबाने पे वो बॉक्स पड़ा हो जाएगा और पीछे एक और बेडरूम खुल जाएगा। अंदर ही वॉशरूम होगा, अंदर ही किचन होगा, अंदर ही रहने वहने की जगह होगी, अंदर ही लिविंग रूम होगा, सब कुछ अंदर ही होगा। ये वाला ट्रक में 4x4 भी आता है। मैं याद है बोल रहा था, टेम्पो ट्रैवलर में अगर 4x4 लग गया तो टेम्पो ट्रैवलर में तो नहीं है, बट इस गाड़ी में आता है। द ओनली कैच इज कि शायद ये वाइट नंबर प्लेट ना मिल पाए, बट आई एम होपफुल। मेरी टाटा में अच्छे खासे लोगों से बात चल रही है और कुछ यूज के सिनेरियो भी हैं जहाँ पे लोगों ने इसको प्राइवेट रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वो हाँ बोलेंगे तो ये गाड़ी मैं खरीद के बिल्ड करना स्टार्ट करूँगा। एंड टू एंड आपको बिल्ड वीडियो दिखाऊंगा, इससे बेटर कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक रही बात सस्पेंशन की, कुछ मेरे दोस्त बोलेंगे कि भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत हार्ड है तो है, क्या कर सकते हैं, बट उसमें हम लगा देंगे बलून्स, हम लगाएंगे एयर सस्पेंशन, एयरमेटिक बना देंगे, बिल्कुल मर्सिडीज वाली फील देगा वो भी। अब अगर आपने क्लिप देख ली है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं एक अपने लिए टाटा 407 प्लेटफॉर्म पे फुल फ्लेज्ड कैरावैन बनाने वाला था जो यूनिमॉक जैसी दिखाई देगी। टाटा 407 आता है 4x4 ट्रांसमिशन के साथ और मेरे लिए पहला अट्रैक्शन वही था कि मुझे भाई 4x4 गाड़ी चाहिए। मैं टाटा के पास गया तो टाटा ने पहले तो मेरे को एंटरटेन नहीं किया। टाटा बहुत ही ज्यादा कमर्शलाइज्ड है और मेरे जैसे बायर जो कि एक या दो गाड़ियों के बारे में बात करते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से बात करते नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहरहाल जब मैं पहुंचा टाटा के पास तो टाटा ने मुझे क्लियर मना कर दिया कि ये कमर्शियल LCV है, ये LMV नहीं है, इसको आप प्राइवेट नंबर पे रजिस्टर कर नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार टाटा ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बताता हूँ कमर्शियल व्हीकल्स में कैसे होती है। देयर आर टू सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर वन है टाटा मोटर्स का ट्रक सेगमेंट जिसमें आती है 407, और दूसरा है टाटा मोटर्स का बस सेगमेंट जिसमें टाटा की स्टारलाइन बसेस बहुत सारी आती है। तो सबसे पहले मैं पहुंचा, जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी वो लोग बस सेगमेंट के थे, उन्होंने मुझे राउट किया ट्रक सेगमेंट में। मैं ट्रक सेगमेंट में पहुंचा हूं, मैंने बातचीत करनी स्टार्ट करी है, डायलॉग इनिशिएट किया। ऑलमोस्ट 2 महीने तक मेरी इनके साथ कॉन्वर्सेशन चलती रही, जिसके बाद फाइनली टाटा ने मेरे को एक नया अनाउंसमेंट दे दिया कि 407 डिसकंटिन्यू हो चुका है, टाटा 407 अब प्रोडक्शन में नहीं है, इसके बदले टाटा 609 एक नया वेरिएंट आ गया है और ये वेरिएंट 4x4 में आ ही नहीं रहा। टाटा 407 बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जैसे मेघालय हो गया या बाकी जो भी हिली टेरेन्स है वहाँ पे आया करता था एज अ 4x4। तो एक बार को तो मैंने सोचा था कि चाहे मैं कमर्शियल व्हीकल लेके उसको रजिस्टर करा दूंगा कैरावैन कैंपर वैन में और वो मेरा काम सारा का सारा कर देगा, बट फाइनली टाटा ने 407 को बंद कर दिया BS6 कंप्लायंसेस को दिमाग में रखते हुए और उसके बदले लॉन्च कर दिया टाटा 609। अब 609 में 4x4 वेरिएंट आता ही नहीं है। सो जो मेरा पर्पस था इस गाड़ी को लेने का, वो एक तरीके से पूरा पर्पस मेरा डिफीट हो गया। तो फाइनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कोई पुरानी टाटा 407 ढूंढता हूँ आर्मी ऑप्शन व्हीकल, और आर्मी ऑप्शन व्हीकल बिकॉज जब वो डिस्पोज होती है, जब आर्मी उन गाड़ियों को डिस्पोज करती है तो वो सिविलियंस के लिए अलाउड होता था उनको रजिस्टर करना। आज सुबह का ब्रेकफास्ट। तो हम बात कर रहे थे टाटा मोटर्स की। अब भाई मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी, जब मैंने बताया था कि कैरावैन बिल्ड करना है तो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए थी 4x4 कैपेबिलिटीज़ होना। हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे टेरेन हैं
जो अनएक्सप्लोर्ड है और उनको एक्सप्लोर करने के लिए आपको चाहिए होती है 4x4 कैपेबिलिटी, जो और किसी गाड़ी में भी नहीं है इंडिया में, जो कि इस साइज की है, जिसमें पूरा का पूरा यू नो कंस्ट्रक्शन हो सके, वॉशरूम निकल सके और ये सारी चीजें हो सके। तो टाटा वॉज माई नंबर वन चॉइस बिकॉज सबसे रगेड व्हीकल टाटा बनाता है इस वाले ट्रक वाले सेगमेंट में। हाउएवर जब मुझे पता लगा कि टाटा 407 अब 4x4 के साथ आ ही नहीं रही है, इनफैक्ट 609 आ रही है जो कि 4x4 के बिना है, तो मेरा एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने लगाया कि भाई अगर मैं लेना ही है फिर फोर्स मोटर्स क्यों ना लूँ, मतलब वाई नॉट फोर्स मोटर, अगर मेरे को इसी तरीके की गाड़ी लेनी है तो फोर्स मोटर ले लेता हूँ। तीन फैक्टर है जो डिफ्रेंशिएट करते हैं फोर्स मोटर्स और टाटा मोटर्स को, स्पेशली जब 609 या 407 वाले मॉडल की हम बात करें। एक सेकेंड ना, मैंने कॉफ़ी बना के रखी थी, थोड़ा सा बर्फ़ कम थी तो ठंडे होने के लिए रखी थी। एनीवे हाँ जी, तो बात करते हैं टाटा और फोर्स के डिफरेंसेस की। सो नंबर वन डिफरेंस जो आ जाता है वो आ जाता है फ्रेम। सो जो टाटा का फ्रेम है वो है लैडर चेसिस फ्रेम और जो फोर्स मोटर्स का फ्रेम है वो है आपका मोनोकॉक, मोनोकॉक चेसिस आपकी मिलती है आपको। अब मोनोकॉक चेसिस पैसेंजर सेगमेंट के लिए बनी है, एनी गिवन डे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। नंबर टू, जो आप फोर्स मोटर्स की कोई भी टेम्पो ट्रैवलर लेते हो उसकी बॉडी बनी बनाई आती है, तो उसमें आपको बॉडी बनाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता, जो शेल बनाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता। वहीं अगर आप टाटा की बात करो तो टाटा आपको एक डाले वाली गाड़ी मिलती है या तो, या फिर बिल्कुल नेकेड मिलती है जिसमें आगे का कैबिन मिलता है सिर्फ। तो जो बॉडी बनाने का खर्चा है वो क्लोज टू 5 लाख रुपए के आसपास है, 5 से 6 लाख रुपए है। तो प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं, फोर्स मोटर्स आती है, फोर्स की टेम्पो ट्रैवलर 3350 T2 आती है लगभग 20 लाख रुपए की ऑन रोड, और टाटा आती है करीबन 15 से 16 लाख रुपए की ऑन रोड। तो मोर और लेस ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 5 लाख रुपए मैं यहाँ लगाऊंगा, 20 लाख रुपए की मुझे टाटा पड़ी, 20 लाख रुपए की मुझे फोर्स मोटर्स पड़ी। अगला फैक्टर जो है वो है सस्पेंशन। तो बिकॉज जो फोर्स है वो पैसेंजर के लिए बनी है, तो ऑफ कोर्स इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत सॉफ्ट है, राइट, एज कम्पेयर टू टाटा का जो लोड कैरियर है, जो 407 या 609 है, ये लोड कैरियर है, इनकी हार्ड कमानियाँ हैं, ये लोड को कैरी करने के लिए बनी है, उसमें मुझे अलग से इन्वेस्ट करना पड़ता एयर सस्पेंशन लगाने के लिए या कोई और तरीके के सस्पेंशन लगाने के लिए। सो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैंने टाटा 609 पे काटा मार दिया, 407 आ नहीं रहा था, 609 पे काटा मार दिया। मेरे दिमाग में एक बार ये भी आइडिया आया कि मैं एक ब्रांड न्यू टाटा 609 ले लेता हूँ और किसी पुरानी टाटा 407 का 4x4 ट्रांसफर केस उठा के इसमें फिट कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी, पर ये 4x4 हो जाएगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर ये मैंने करना ही है टाटा में तो मैं यार फिर फोर्स ट्रैवलर में क्यों ना कर लूँ। फोर्स एक्सेल नाम से एक गाड़ी आया करती थी जो कि 4x4 केपेबल थी, थी वो फोर्स ट्रैवलर ही, बट वो एम्बुलेंस की तरह आती थी और वो 4x4 केपेबिलिटी देती थी आपको। तो मैंने सोचा उसी गाड़ी को कर लूँगा, बट फाइनली मैंने पूरा प्लान ही स्क्रैप कर दिया क्योंकि मेरे सामने आ गई टाटा की 713 ढाई टन, जो कि देखते ही मुझे लगा कि ये तो भाई इंडियन यूनिमॉक बन जाएगी। अब ढाई टन है क्या, टाटा का एक विंग है, एक सेगमेंट है टाटा डिफेंस बोलते हैं जिसको, वो 713 मॉडल की एक गाड़ी बनाती है, टाटा 713 नाम से एक गाड़ी आती है जिसको देसी लैंग्वेज में ढाई टन बोला जाता है क्योंकि उसकी ढाई टन की लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। तो ये गाड़ी मेरे सामने आई और जब मैंने इस गाड़ी को देखा तो मुझे लगा कि मैं एक्चुअली में मर्सिडीज की यूनिमॉक को देख रहा हूँ, दिस वॉज नो लेस देन अ यूनिमॉक। मैं बताता हूँ कैसे, ये गाड़ी, इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो है 590 न्यूटन मीटर एट 1500 आरपीएम। अब सिर्फ पर्सपेक्टिव इस्टेब्लिश करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फॉर्चूनर या जो टोयोटा हाइलक्स है, हाइलक्स अभी इंडिया में सबसे केपेबल ऑफ रोडर है एट द मोमेंट इस वाले सेगमेंट में जिसमें डाला आता है, तो हाइलक्स का जो टॉर्क है वो है 450 न्यूटन मीटर एट 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में। वहीं इस गाड़ी का टाटा ढाई टन का जो टॉर्क है वो है 590 न्यूटन मीटर। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 4x4 कैपेबिलिटीज है, डिफरेंशियल लॉक है सो दैट आप इंडिविजुअल अपने व्हील्स को अटेंशन दे सकते हो किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। तो इट्स अ वेरी केपेबल व्हीकल। इसमें जो टायर डलते हैं वो डलते हैं 12-20 के, बहुत बड़े टायर्स हैं। अब एक अच्छी ऑफ रोडर, एक अच्छी एक्सपेडिशन व्हीकल बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। नंबर वन पावर, आपको मैसिव पावर चाहिए। नंबर टू आपको 4x4 कैपेबिलिटीज चाहिए। और नंबर थ्री
आपको चाहिए एक ऐसा व्हीकल जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी हो, तो ये जो टाटा ढाई टन है ये तीनों ही मामले में किसी भी और गाड़ी से बेटर है। द ओनली डाउनसाइड ऑफ दिस व्हीकल इज इसकी फ्यूल इकोनॉमी, ये 4 से 5 का फ्यूल इकोनॉमी देती है, पर आप एक एक्सपेडिशन व्हीकल से और क्या एक्सपेक्ट करोगे। प्लस इसमें जो इंजन है वो है क्यूमिन इंजन, बेसिकली 6 सिलेंडर क्यूमिन इंजन है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डीजल इंजन इन द वर्ल्ड। ये 1993 में टाटा और क्यूमिन्स का एक जॉइंट वेंचर हुआ था टाटा डिफेंस के लिए ही, और उन्होंने डिसाइड किया था मिड रेंज बी सीरीज इंजन बनाएंगे टाटा डिफेंस कैरियर्स के लिए, वही अभी भी चल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंजन, 24 वोल्ट का इसमें ऑल्टरनेटर आता है और 75 एम्प्स का ये करंट प्रोड्यूस करता है, अमेजिंग व्हीकल। हाँ, गोप्रो की बैटरी डेड हो गई, मैंने सैमसंग पे स्विच किया है अपने फ़ोन पे। एनीवे, तो मैं बता ही रहा था कि मेरी बात हुई पठानकोट में एक ऑक्शन एजेंट से, उस ऑक्शन एजेंट ने मुझे बोला कि 3.5 से 4.25 लाख रुपए की ये गाड़ी मिल जाएगी, इस गाड़ी को आप रजिस्टर करा सकते हो कैरावैन। बट हो क्या रहा था कि पंजाब और हिमाचल की गाड़ियां कॉन्स्टेंटली कैंसिल हो रही थी। कैंसिल क्यों हो रही थी? क्योंकि ये गाड़ियां जनरली थी BS3 BS4, मैक्सिमम BS4, और अब चल रहा है BS6 या BS6.2। तो सरकार कहती है कि जी ये पुरानी गाड़ियों को आप फ्रॉडुलेंटली कैसे रजिस्टर कर रहे हो, और हर 3 महीने में एक ऑडिट होता है, उस ऑडिट में गाड़ियां कैंसिल हो जाती है। तो गाइज, मेरा आपके लिए सजेशन है फिलहाल के लिए, अभी मैं बैठा हूँ, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, और मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, कोई भी ऑक्शन व्हीकल खरीद के रजिस्टर मत करना, 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर आपका ऑक्शन व्हीकल कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको याद हो 2020 में जब BS6 आया था तो पुरानी BS4 गाड़ियों को थोड़ा टाइम मिला था रजिस्ट्रेशन का, जिन लोगों की रह गई थी रजिस्ट्रेशन से वो नहीं हुई, वो कटी है गाड़ियां। तो कोशिश करके भी अगर आपको एक अच्छी डील मिलती है कोई भी डिफेंस व्हीकल की, जैसे जिप्सी हो गई या आपकी ढाइटन हो गई या आपकी अशोक लीलैंड स्टैलियन हो गई, ये बहुत लुक्रेटिव डील्स मिलेंगी, बट आप प्लीज ये जान के चलिए कि वो रजिस्टर नहीं हो सकती, वो आपकी गाड़ियां रजिस्टर नहीं होंगी, वो बेकार का इन्वेस्टमेंट होगा आपका। तो मैं भी अपने ना 10-12-15 लाख रुपए नहीं फंसाना चाहता था, क्योंकि 3.5-4 लाख का व्हीकल हो गया, लाख रुपए के आसपास का रजिस्ट्रेशन हो गया 5 लाख, इसके बाद 2 लाख रुपए लगने थे इस गाड़ी को नई शेप में लाने के लिए, 1 लाख रुपए के इसके टायर हो गए 8 लाख रुपए, और करीबन 10 लाख रुपए का इसमें कंस्ट्रक्शन होना था, जिसमें वॉशरूम बनेगा, जिसमें किचन बनेगा, जिसमें सोने का स्पेस बनेगा, जिसमें सारे एस्थेटिक्स बनेंगे। तो लगभग 15-18 लाख रुपए फूकने के बाद अगर मुझे ये रियलाइज हो जाए कि मैं इस गाड़ी को रोड पे नहीं चला सकता, ये रोड लीगल नहीं है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो मैंने ये प्लान पूरा का पूरा ड्रॉप कर दिया। अब फाइनली क्या, इतनी सारी बातचीत करने के बाद फाइनली क्या, अब मैं फाइनली डिसाइड किया है एक और व्हीकल, और उस व्हीकल की मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली है। ये देखो छोटी सी क्लिप, इस पे पूरा अगला एपिसोड बनाऊंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ये दिस इज अ फुली कन्वर्टेड कैरावैन। कौन सी गाड़ी है ये अभी नहीं बताऊंगा, आप गेस करके मेरे को बताओ कि ये कौन सी गाड़ी है। और गाइस, आरटीओ के नॉर्म्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। जितने भी लोग मुझसे ईमेल पे या फोन पे कांटेक्ट करते हैं, उनका एक कॉमन सवाल होता है कि क्या ये गाड़ी रजिस्टर होगी या वो गाड़ी रजिस्टर होगी या कमर्शियल, एंड ऑल दोस क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि मैं आरटीओ पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज राइट इट डाउन ऑन कमेंट। अगर मुझे 100 कमेंट मिलते हैं, अगर 100 लोग बोलते हैं कि इस पे आरटीओ पे एक वीडियो बनना चाहिए, तो मैं आरटीओ पे एक पूरा रिसर्च वीडियो बनाऊंगा, बट प्लीज कमेंट। और दूसरा, अगर आपने पहचान लिया है कि ये गाड़ी कौन सी है, तो ये भी मुझे कमेंट में बताओ। मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं टाटा पे एक अपना कैरावैन बनाऊंगा, बट वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया। आई थॉट आई विल कम ऑनलाइन एंड टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, कि मैंने क्यों अपना टाटा वाला जो प्लान है उसको कैंसिल कर दिया। अभी जिस कैरावैन की मैंने आपको छोटी सी झलकी दिखाई है, इस पे मैं पूरा का पूरा एपिसोड बना रहा हूं, और ये अगला एपिसोड होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आपका टाइम बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।